हमने दो बॉडीज को किया है, एक साथ प्लास्टिक को किया है और सर मेरे बालों को किया। अच्छा, तो चार्ज तो बाल पर और प्लास्टिक पे आएगा, लेकिन हम क्या देखते हैं भाई साहब कि जब हम इस प्लास्टिक को इन कागजों के पास ले जाते हैं तो ये कागज जो होते हैं इसकी तरफ उछलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो बेटा कि इस प्लास्टिक का इस कागज के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी ये कागज के टुकड़े इस प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अपने चारों में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो साहब हमको दिखता ही नहीं है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे? आप कह रहे हैं इंडिया में कितनी शुगर है, तो तुम कहोगे सर जी कैसा सवाल है कि इंडिया में कितनी शुगर है, कितनी शक्कर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 5 है। आपको पता है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट जेई में बनते हैं और ये वाली क्लास आपके नीट के लिए भी सफिशियंट है, जेई के लिए भी और आपके बोर्ड के लिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। तो इसके भी आपके एक दो लेक्चर आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये पहला लेक्चर है और लेक्चर नंबर 5 है, क्योंकि इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको जाकर देखिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और साथ ही क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट का हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, वहां पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है साहब और इंटेंसिटी क्या होती है। तो ध्यान देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। देख तो बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में? मैंने बेटा आपको क्या समझाया था कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। अच्छा, ये चीज होती है। तो देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी में जो भी चीज पढ़ेंगे वो किसके बेसिस से पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पढ़ेंगे। तो साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? तो साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बना कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर है तो उसके अराउंड स्पेस में, याद रख, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर है तो उसके अराउंड स्पेस में जो चीज होगी उसका नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, इसको फील करने की कोशिश कर। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सपोज तेरे सामने कुछ पेपर के बाइट्स हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, और ये तेरे पास एक प्लास्टिक है या आप तेरे पास स्केल है। स्केल को आपने ऐसे रब किया, ऐसे रब करते हैं, रब करते हैं, रब करते हैं, तो रब करेंगे तो चार्ज किस पर आएगा साहब? तो आपको पता है रब हमने दो बॉडीज को किया है, एक साथ प्लास्टिक को किया है और सर मेरे बालों को किया। अच्छा, तो चार्ज तो बाल पर और प्लास्टिक पे आएगा, लेकिन हम क्या देखते हैं भाई साहब कि जब हम इस प्लास्टिक को इन कागजों के पास ले जाते हैं तो ये कागज जो होते हैं इसकी तरफ उछलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो बेटा कि इस प्लास्टिक का इस कागज के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी ये कागज के टुकड़े इस प्लास्टिक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं विदाउट कॉन्टेक्ट। हाँ, क्या आपने ऐसी वाली जो चीज कहीं और पढ़ी है? क्लास 11 में हमने पढ़ी। कहां पढ़ी है? क्लास 11 में, ग्रेविटेशन में। तो आप क्या देखते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। अर्थ को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, वहीं बैठे बैठे अर्थ खींच लेती है उसको। क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड। ओ, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है साहब? मास बनाता है। उसी तरह से चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? कुछ भी बनाता है, कुछ बनाता है, तभी तो बिना छुए इसको अपनी तरफ खींच लिया, उसको क्या कहेंगे? उसी का नाम ने क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसका कैरेक्टर होता है साहब? चार्ज का कैरेक्टर होता है। तो चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कहां बनाता है? स्पेस में बनाता है। अच्छा, ये चीज है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए। देखो बेटा, हमने इसको चार्ज किया, इसको तो चार्ज नहीं किया था। किया था क्या? नहीं किया था। मतलब इसके पास चार्ज भी नहीं है, फिर भी इस बॉडी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया? तो जिस चीज के कारण भी वो खींच लिया उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने अपने चारों तरफ क्या बना दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी तरफ इसको खींच लेता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये मलाल है कि चार्ज तो साहब हमने इसको किया था और बालों को किया था, तो बालों और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, बट यहां तो यार इस पे तो चार्ज ही नहीं है, इसके बीच क्या था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो आपको याद करिए, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बेटा आपने क्या देखा था? इधर सुन 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 ध्यान से सुन, क्या देखा था आपने कि एक सरफेस है, अगर इसके पास कोई चार्ज बॉडी लेकर आओगे तो आपको पता है ये एटम से मिलकर तो बनी है,
एटम से मिलकर तो बनी है। तो जितने भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां पर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो रिपेल होकर इधर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके इनर सर्किल में कौन आएगा अट्रैक्ट होकर, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस प्लस ने किसको खींचा, नेगेटिव को खींचा और उसको उछाल कर अपने पास चिपका लिया। तो यहां से उठाकर लाने का काम किसका है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडेक्स से क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव हो गया। फोर्स लगाने का काम क्या है, फोर्स लगाने का काम किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। सॉ हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें फोर्स लग जाता है। लेकिन ये चार्ज तो नहीं था, तो चार्ज कैसे बना, यहां पर नेगेटिव कैसे है यहां पॉजिटिव कैसे है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। क्या आप इस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए और बताता हूं। देखो इधर ये तेरे पास एक बॉडी है, मान ले ये क्या है तेरे पास एक बॉडी है, समझना बात को। इसके पास जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, बता ये तो पता है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो इस समय सर इसके पास चार्ज कितना था, इसके पास चार्ज है जीरो। नेट चार्ज कितना, जीरो, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, नेट चार्ज कितना, जीरो। हाँ अच्छा, देख अब तेरे पास एक बॉडी है चार्ज, कैसे चार्ज हुई साहब, रब करके चार्ज हुई। इस पर मान ले कौन सा चार्ज है, मान ले नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने इसको रब किया और इसमें इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बता कि इस पर चार्ज कितना है, जीरो, और इस बॉडी पर कुछ चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। तो ये बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी क्या, कूलाम फोर्स लगेगा क्या, सर कूलाम फोर्स तो एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर लगता है, तो साहब इस पर तो चार्ज ही नहीं, इस पर फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो कूलाम फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अब देख मैं क्या बता रहा हूं, देखो मैं क्या बता रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज प्लेट को जब अनचार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो क्या होता है भाई साहब, कि जितने भी इसके पॉजिटिव होंगे, जितने भी इसके पॉजिटिव होंगे वो अट्रैक्ट होकर यहां आ जाएंगे। साहब नेगेटिव होंगे वो रिपेल होकर कहां चले जाएंगे, साहब यहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। अब पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। अब देख इस बॉडी से इसका डिस्टेंस कुछ है आर वन, इसी बॉडी से इसका डिस्टेंस कितना है आर टू। तो ये आर वन डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है और आर टू डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है, मतलब उसको रिपेल कर रहा है और इधर खींच रहा है। अगर मान ले ये पास में है तो ये फोर्स है 10 न्यूटन, और इधर की तरफ जो रिपेल कर रहा है, इधर की तरफ जो रिपेल कर रहा है, मान ले ये आ गया तेरा 9 न्यूटन। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना, तो 10 माइनस 9 कर दे, 10 माइनस 9 कर दे, कितना आ गया 1 न्यूटन। तो नेट फोर्स लगा कि नहीं लगा, नेट फोर्स के कारण ये बॉडी इसकी तरफ खींच चली जाएगी, नेट फोर्स के कारण इसकी बॉडी जो है खींच रहे। तो बता कौन गलत है, कूलाम लॉ गलत है या इंडक्शन। कूलाम लॉ क्या कहता है, फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मैंने तेरे को फोर्स लगा के दिखा दिया। कैसे लगा के दिखा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना के बेसिस पर। अच्छा तो आप यहां पर एक चीज समझिए कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से काफी दूर खड़ी है तो ये उसको कैसे खींच सकती है साहब, सवाल ये है। तो इसके लिए सोचा गया कि ये जो बॉडी है जिस पर चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बना के रखा है, उस इफेक्ट का नाम क्या रख दिया भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बॉडी आएगी तो उसको अपनी तरफ खींच सकती है, भले ये वाले फिनोमेना से खींचे, इलेक्ट्रो अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फिनोमेना से खींच लेगी, जैसे अभी कागज वाला एग्जांपल बताया था, कागज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से उसको खींच लिया, और जिस बॉडी पर चार्ज ऑलरेडी है तो उसको खींचना ही है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा अगर अपोजिट चार्ज होंगे, या फिर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, या सॉरी लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस तो रिपल्शन का, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन, लेकिन फोर्स तो लगेगा। क्या आप इस बात को समझ पाए, तो आप यहां पर यह समझे कि बेटा कि कहीं पर भी चार्ज है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अच्छा तो देखिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस, इज स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। अच्छा तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, और ये स्पेस कहां है, चार्ज के चारों तरफ है, जहां पर उसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा अगली चीज सुनो, अगली चीज सुनो। इफेक्ट होता है बेटा, इफेक्ट मे बी
स्ट्रॉन्ग और वीक, ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है. वी कॉल इट, क्या बोलेंगे इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बेटा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है या किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, ये कम और ज्यादा ये वाला जो इफेक्ट है इसका नाम क्या रखा गया साहब, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अच्छा ओके, इसको इसके लिए हमने सिंबल डिसाइड किया है कैपिटल ए, इसके लिए हम सिंबल क्या देंगे यहां पर, कैपिटल ए, इट नोटेड बाय सिंबल ई. चलिए अब मैं आपको अगली चीज समझाता हूं, देख ध्यान समझना, ध्यान समझना, इसको मैं रब कर देता हूं, पॉज कर लिए और नोट करिए, पॉज कर लिया नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं. देख इसको और अच्छे से मैं आपको फील कराता हूं, देख ध्यान समझना, ये तेरा टावर लगा हुआ है यहां पर, क्या लगा हुआ है टावर, अच्छा ये टावर है साहब, टावर में क्या होता है सर, टावर में यहां पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, टावर में क्या साहब, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ऐसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है, कहां बना के रखा हुआ है साहब, स्पेस में बना के रखा हुआ है, ये चारों तरफ का जो स्पेस है खाली स्पेस है वहां पर इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है. तो साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, चार्ज बनाता है, कहां बनाता है साहब, स्पेस में बनाता है, तो बनाने वाला कौन है, चार्ज ही तो, इसलिए हम इसको कहेंगे सोर्स चार्ज, क्या कहेंगे साहब, सोर्स चार्ज, तो ये साहब हमारा सोर्स चार्ज. अच्छा अब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो साहब हमको दिखता ही नहीं है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे. अच्छा देख 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 इधर देख, ये तेरे पास सेल फोन है, क्या है तेरा, सेल फोन है, ठीक है ओके, ये तेरा सेल फोन है. अच्छा अब इस सेल फोन में भी क्या होता है, सेल फोन में, सेल फोन में तूने देखा होगा कि नेटवर्क आ रहे हैं, क्या आ रहा है, नेटवर्क, तो तूने इस तरह के टावर देखे होंगे अपने सेल फोन में ऐसे, ठीक है, इसको नेटवर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क. तो तुमने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि ये जो नेटवर्क है कभी तो हमारा फुल आता है और कभी कम आता है और कभी तो जीरो आ जाता है, तो जीरो फुल मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि अगर हमारा फोन इस टावर की रेंज में है तब तो फुल टावर आएगा, थोड़ा सा दूर चले जाएंगे रेंज से कम चले जाएंगे तो ये नेटवर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूर चले जाएंगे साहब तो और कम हो जाएगा, इतनी दूर चले जाएंगे कि टावर की रेंज से बाहर निकल गए तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ नेटवर्क बता देगा. तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क आना, नेटवर्क आना क्या चीज है, ये हमको ये बताते हैं कि साफ इस टावर के अंदर जो चार्ज रखा है इसने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल और केवल कौन एक्सपीरियंस कर सकता है साफ, तो वो हमारा फोन कर सकता है, क्योंकि फोन के अंदर भी, फोन के अंदर भी एक चार्ज हमने रखा है, इस चार्ज को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इस पर फोर्स लगा तो टावर आया, इस पर फोर्स नहीं लगता तो टावर नहीं आएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा टावर आएगा, कम फोर्स लगेगा तो कम टावर आएगा, लेकिन कहां आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा. अच्छा ये चीज है, तो आप इस बात को फील कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हमको किसी को कॉल लगाना है या किसी को मैसेज करना है, कोई भी काम करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कोई भी काम करना है साफ, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए. तो देख रहे हैं कितना जबरदस्त यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड का. आने जाके जब आप लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो किसी ऑब्जेक्ट को देखना भी एक इलेक्ट्रिकल सेंसेशन होता है भाई साहब. ओ तो समझ पा रहे हो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बड़ी चीज है. ठीक है, किसी को देखना भी एक इलेक्ट्रिकल सेंसेशन है. हाँ, इसको मैं लाइट के चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बताओ इतनी बात आप समझ पाए. अच्छा अब देख, अब आगे की बात करते हैं. इस सोर्स चार्ज ने बेटा अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, किसी लोकेशन पर कम लगाएगा तो किसी लोकेशन पर ज्यादा लगाएगा, किसी लोकेशन पर कम लगाएगा किसी लोकेशन पर ज्यादा लगाएगा, तो किसी लोकेशन पर कम या ज्यादा ये फोर्स का जो इफेक्ट है इसका नाम क्या रख दिया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट दैट लोकेशन, इस लोकेशन पर। अगर जहां रख दोगे तो वहां पर इंटेंसिटी कुछ और होगी, यहां रख दोगे तो वहां पर इंटेंसिटी कुछ और होगी। तो ये इंटेंसिटी साहब होती कितनी है, तो ये इंटेंसिटी होती है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और यहां पर जो क्यू हमने यूज किया बेटा, ये टेस्ट चार्ज है आपका। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर ये आपका सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज अगर कूलाम में है, तो टेस्ट चार्ज आपका माइक्रो कूलाम में होगा, माइक्रो कूलाम में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये भी चार्ज है भाई, तो चार्ज का तो प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी ज्यादा तो आएगी ना, कमी भी तो आ सकती है ना इसके कारण। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं, अपने सोर्स चार्ज की कंपैरिजन में कम रखते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज, केवल यूज करने के लिए, पता लगाने के लिए। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साहब? साहब ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? फोर्स पर डिपेंड कर रही है साहब। किस पर डिपेंड कर रही है? फोर्स पर डिपेंड कर रही है, और जिस चार्ज को आपने रखा है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अगर मैं बेटा इस Q की वैल्यू को 1 कर दूं, Q की वैल्यू को बेटा 1 कर दूं, कितना कर दूं? 1, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है साहब? F है। तो मतलब साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स होता है। अब देख, यहां पर एक लोकेशन है A, एक लोकेशन यहां पर B है बेटा, एक लोकेशन तेरी यहां पर C है। अब हमने चार्ज लिया, यूनिट चार्ज लिया, यहां पर रख दिया, यूनिट चार्ज रख दिया यहां पर। ठीक है, तो हमने जब जहां पर रखा तो इस पर फोर्स लगा 20 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 20 न्यूटन। यहां पर रखा तो यहां पर फोर्स लगा 10 न्यूटन का। जब इसी यूनिट चार्ज को यहां पर रखा तो इस पर फोर्स लगा 50 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस टावर ने अपने चार तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा हुआ है बेटा, उसकी डिफरेंट लोकेशन पर फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। और फोर्स का मतलब ही क्या है? फोर्स का मेजरमेंट ही क्या है? इंटेंसिटी का मेजरमेंट है। तो मतलब यूनिट चार्ज यहां पर 50 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका मतलब इस लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी? 50। इस लोकेशन में कितने का एक्सपीरियंस कर रहा? 20 का। तो इस लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी? 20। इस लोकेशन में कितने का कर रहा? 10 का। तो इस लोकेशन में इंटेंसिटी कितनी? 10। समझ में बात? तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? डिफरेंट होती है, जब आप एक यूनिट चार्ज को डिफरेंट लोकेशन पर रखते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन को हम नोट कर लेते हैं, फिर इसका यूनिट डायमेंशन हम समझेंगे। ठीक है, इसको पॉज करिए और नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा यहाँ पर। देखिए, देख लेते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is force experience by unit charge at that location। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है साहब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज एट दैट लोकेशन। तो वहां पर रखा हुआ चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। तो इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया आपका, दैट इज करके E इक्वल टू क्या बन गया साहब? F बन गया। E इक्वल टू कितना बन गया? F बन गया। ठीक है साहब, चलिए अब अगली चीज की बात करते हैं बेटा। इसको मैं रब कर देता हूं, अगली चीज की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। किसकी बात करते हैं बेटा? यूनिट। तो देखिए, यूनिट क्या होता है? तो यूनिट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। तो ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज होता है, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाएगी। जैसे 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 देखिए, सपोज यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इस पर फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा या रिपल्शन का लगेगा? तो सीधी सी बात है, दोनों चार्ज लाइक है तो इनके बीच रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो रिपेल होकर ये दूर जाएगा।
तो ये जिस डायरेक्शन में गया उसी का नाम क्या रखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू क्या होती है नेगेटिव, याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू कहां होती है नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू कहां होती है बेटा नेगेटिव चार्ज होती है। अच्छा अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है साहब न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया न्यूटन पर कूलाम आ गया, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू क्या होती है नेगेटिव, इसलिए इसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, कौन सी क्वांटिटी कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है साहब वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें हम बात करते हैं डाइमेंशंस की, इसकी डाइमेंशंस क्या होंगी उसको भी देखिए, ये वन वन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिए डाइमेंशंस की बात करते हैं। तो इसकी डाइमेंशन देखिए, डाइमेंशन की बात कर रहा हूं, देखिए फोर्स की डाइमेंशन क्या होती है साहब, तो फोर्स की डाइमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू होती है साहब, ठीक है। और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है साहब, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था at होती है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा m l t की पावर कितना हो जाएगा माइनस थ्री और a की पावर कितना हो जाएगा माइनस वन। तो ये क्या आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कब स्ट्रॉन्ग होता है कब वीक होता है ये कौन डिसाइड करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला क्या होता है एफ इक्वल टू एफ सॉरी ई इक्वल टू एफ ओवन क्यू होता है। ये क्यू कौन सा चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है ओके। दूसरा अगर हम इस चार्ज की वैल्यू वन ले लें यूनिट ले लें तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज एट दैट लोकेशन, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा फोर्स, यानी जितना फोर्स लगेगा उस यूनिट चार्ज पर वही उस लोकेशन की क्या कहलाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। उसका यूनिट क्या होता है बेटा न्यूटन पर कूलाम होता है। ये कौन सी क्वांटिटी है साहब वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू कहां होती है नेगेटिव। इसकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, आप चाहो तो रट्टा मार सकते हैं, निकालना मैंने आपको सिखा दिया। डायमेंशन क्या होती है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब बेटा अब इसमें आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, देख ध्यान सुन ये आपके पास बेटा तेरा कौन सा चार्ज है सोर्स चार्ज है, ठीक है। अगर ये सोर्स चार्ज के ये वाला लोकेशन पास में है, सपोज ये R1 लोकेशन है, तो इस पर कितना फोर्स लगा था 50 न्यूटन का लगा। ये वाला लोकेशन तेरा कितनी दूर था R2 डिस्टेंस पर था, तो कितना फोर्स लगा 20 न्यूटन। ये वाला लोकेशन कितना है, ये वाला लोकेशन है तेरा मान ले 50 मीटर, अच्छा चल इसको R3 नाम देते हैं, तो कितना फोर्स लगा 10 न्यूटन। तो मतलब तुम क्या देख रहे हो कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही सोर्स चार्ज ने बनाया, लेकिन अलग अलग लोकेशन पर यानी कि डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स की क्वांटिटी कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक और चीज है जिस पर डिपेंड करती है, वो क्या है डिस्टेंस। लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में तो डिस्टेंस नहीं आया है, तो डिस्टेंस वाला भी हमको कन्वर्जन चाहिए, वो वाला फॉर्मूला भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पर फोर्स तो फोर्स अलग है, इसलिए इंटेंसिटी कैसी है अलग है। तो आइए उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसको पहले पॉज करिए नोट कर लिए आइए अब समझते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। तो बेटा आपके सामने एक पॉइंट चार्ज है या फिर आपका सोर्स चार्ज, ये फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हम स्टार्टिंग में बनाते हैं वो पॉइंट के लिए बनाते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको उसके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा इसके बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले इतना समझते हैं, पहले इसको निकालते लिख। तो देखो ये आपके पास क्या बेटा सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज साहब क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर E equal to F upon Q होता है। अच्छा तो सब F क्या है, F तो फोर्स है, F तो क्या है फोर्स है। सपोज इस पॉइंट चार्ज से यहां पर ये सोर्स चार्ज से यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है तुम्हारा Q0 क्या है तेरा टेस्ट चार्ज है। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा साहब फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला बता, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला बता क्या होता है। कूलाम फोर्स का फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon naught
Q1 Q2, Q1 मतलब पहला Q, दूसरा जिस पर फोर्स लगे Q0 और उनके बीच की डिस्टेंस मान ले R है तेरी, तो ये कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। ये तेरा क्या है, फोर्थ है, ये फोर्थ है, ठीक है, ये फोर्थ आ गया। अब आपका इस लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देख यहां पर F की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो E इंटू कितनी आ जाएगी, क्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो F के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं यहां पर 1/4πε0 कैपिटल Q, Q0/r2। अब ये F कौन सा है, ये है E इंटू, और ये चार्ज आपका टेस्ट चार्ज है, तो इसलिए यहां पर सिंबल हम Q0 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा Q0। अब देख बेटा ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया तेरा 1/4πε0 Q/r2, दिस इज अवर आंसर। तो बेटा ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है, ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो है, लेकिन किसके लिए है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये याद रखना, किसके कारण है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सोर्स के कारण। तो इस फॉर्मूले में आया भी कौन है, साफ सोर्स चार्ज आया है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या कम है, ये कौन डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर तेरा सोर्स चार्ज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही स्ट्रांग, उतना ही ज्यादा, उतने ही बड़े एरिया में क्या बनेगा, बनेगा, मतलब ज्यादा बनेगा। अच्छा, दूसरा कि ये जो सोर्स चार्ज है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये आपका तेरा पूरा कांस्टेंट, देख एक बार तूने यहां पर 10 कूलम चार्ज ले लिया, अब उसकी वैल्यू को तुम नहीं बदल रहे हो, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम, यहां पर 2 रख तो 1/4 आएगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और आपके फॉर्मूले में सोर्स चार्ज आता है, यहां पर टेस्ट चार्ज नहीं आता। अच्छा सर, इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ग्राफ हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए। तो आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने क्लास 11th में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब भी इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसका आप जब ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका इस तरह से बन जाएगा। ये आपको क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जाना और कम, और जाना और कम, और इन्फिनिट पर जाकर ये लाइन कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो याद रखिए इन्फिनिट पर, एट इन्फिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इन्फिनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0 होता है। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसके बेसिस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आइए इसको पहले पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते आगे। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ठीक, अब हम बढ़ते आगे। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक खास चीज बता रहा हूं जिसके बेसिस पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो देखिए कितने तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है चार्ज का, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आपका बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हुआ है, कितनी तरह से हुआ है, तीन तरह से। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड है आपका एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगला है आपका थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझने हैं। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं लेता हूं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, किसको ले रहा हूं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए लीनियर मतलब लाइन, लाइन कहां होती है, तो आपके घर के जस्ट बाहर आप देखोगे तो एक बड़ी लंबी तार जाती है, ठीक है। या फिर आप मान लो कहां जा रहे हो, साफ हाईवे पर जा रहे हो, तो आपको एक तार मिलेगी और वो तार आपके साथ चलती रहेगी, जब तक तुम चलते रहोगे, जब तक वो तार चलती रहेगी, यानी कि वो तार की जो लेंथ होती है वो इन्फिनिट लेंथ होती है,
इनफिनिट, बहुत लंबी होती है क्योंकि वो कनेक्ट होती चली जाती है। तो अगर हम उस लाइन को चार्ज देंगे और उसके कारण किसी लोकेशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्या तरीका होता है, वो चाहे ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, लाइन चार्ज की बात कर रहा हूं, लाइन चार्ज की बात कर रहा हूं। देखिए, तो ये आपके सामने एक वायर है, इन्फिनिट लेंथ वाला है, कितनी लेंथ वाला, इन्फिनिट लेंथ वाला, ठीक, बहुत लंबा वायर है, लॉन्ग वायर है कहने का मतलब ये। अब बेटा ये पॉइंट है, समझना बात को ध्यान दे, ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को बेटा चार्ज दूंगा, इस पॉइंट को मैं चार्ज दूंगा, चलो मैं यहां बनाता हूं, ये पॉइंट चार्ज है आपका बेटा, ये पॉइंट, अगर मैं इसको चार्ज दूंगा, इसको मैंने कितना चार्ज दिया सर, प्लस क्यू चार्ज दिया, यानी कि क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, वो किसको दिया, पॉइंट को दिया, तो पॉइंट तो ये अकेला है, तो पूरा का पूरा चार्ज यहीं पर कंसंट्रेट हो जाएगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से, ये तेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहीं पर। और इन चार्जेस के बीच में साहब रिपल्शन हो रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पॉइंट को दिया है, वहीं पर जाकर बैठना है, मजबूरी है ना उनकी। अच्छा, अगर मैं ये क्यू चार्ज, क्यू क्वांटिटी का चार्ज इस लेंथ पर दे दूं, तो तुम खुद सोच के बताओ कि ये चार्ज एक जगह खड़ा रहेगा कि बिखर जाएगा, बिखर जाएगा तो क्यों बिखरेगा साहब, तो बहुत आसान है ये तो, क्योंकि चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, तो रिपेल होगा, ये बिखर जाहेंगे। तो ये चार्ज हमने दिया कितना इसको साहब, हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी है, प्लस क्यू, ठीक है, और ये पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस चार्ज को जब आप मेजर करने जाओगे तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जी लेंथ तो बहुत बड़ी है, पता नहीं कहां पर कितना चार्ज है, कहां पर कितना चार्ज है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जैसे हम बात करें इंडिया में कितनी शुगर है, तो तुम कहोगे सर जी कैसा सवाल है कि इंडिया में कितनी शुगर है, कितनी शक्कर है, साहब इंडिया में तो बहुत शक्कर है, कितनी चाहिए। लेकिन तुम्हें एक चीज मैं अगर बता दूं कि इंडिया में कितनी भी शुगर हो, कितनी भी शुगर है, कितनी भी शक्कर है, बट उसकी जो एक किलो की क्वांटिटी है वो 20 रुपए किलो है, कितने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो या 40 रुपए किलो, ये तुम्हें पता है। तो तुम्हें एक किलो का भाव पता है, तुम्हें दुनिया में कितनी शक्कर है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें क्या पता है, एक किलो का भाव पता है। तो एक किलो क्या हो गया आपका, बेस हो गया। अब एक किलो से दो किलो नाप ले, तीन किलो नाप ले, चार किलो, तो फिर तू इंडिया की पूरी शक्कर नापता रहे। तो उसको नापने के लिए तुमने एक बेस बनाया कि नहीं बनाया, 1 kg इतना रुपया। उसी तरह से इसको जब हम चार्ज दे देंगे तो अब तो भूल जा तू बेटा वो चार्ज कितना है, वो चार्ज तो पूरा फैल गया। तो उस चार्ज के कारण किसी लोकेशन पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे, देख एक तरीका बताता हूं मैं। यहां पर अगर तेरा पॉइंट है और यहां पर तू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता है, तो खुद सोच, अभी तेरे को एक फॉर्मूला बताया, E इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन 4πε0r2। अब ये r इस चार्ज से ये है, इससे पास में, इससे दूर है, और लंबा तार होगा तो ये और दूर होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इसके कारण अलग, अलग 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 अलग, तो डिफरेंट वैरायटी की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, समझ में आई बात। तो इसलिए अलग अलग चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या तरीका है, तो इसके लिए तरीका होता है कैलकुलस का। अब उस कैलकुलस के मेथड में मैं बाद में जाऊंगा, पहले तेरे को एक चीज बता रहा हूं, इधर देख, सुन जरा ध्यान से, ध्यान सुनना। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट का तरीका मैं बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे मेजरमेंट का तरीका, तो सुनो। यहां पर ये बहुत बड़ी लेंथ है, सपोज ये एल लेंथ है, और एल लेंथ पर, एल लेंथ पर तुमने कितना चार्ज दिया साहब, क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया साहब, क्यू चार्ज दिया। अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, जैसे इंडिया में कितनी शक्कर है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे से पूछूं कि एक किलो शक्कर का भाव क्या है, तो तू बता देगा 40 रुपया किलो या 20 रुपया किलो। वही चीज मैं तेरे को बता रहा हूं कि एल लेंथ पर तूने कितना चार्ज है, क्यों है, तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा साहब, तो यूनिट लेंथ पर तो होगा साहब तुम्हारा क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। इस क्यू अपॉन एल का नाम हम रख देते हैं, इस क्यू अपॉन एल का नाम हमने क्या रखना है, तो हमने रख दिया इसका लैम्डा, क्या नाम रख दिया, लैम्डा। इस लैम्डा को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस लैम्डा को क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर हम इसी लैम्डा को कहते हैं लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या आप इस बात को फील कर पाए कि इंडिया में कितनी शुगर है, हमको नहीं पता, लेकिन एक किलो शुगर का भाव कितना है, 40 रुपया। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि यूनिट लेंथ का भाव कितना है, लैम्डा, यूनिट लेंथ का भाव कितना बता, लैम्डा, बताओ इस बात को फील कर पाए, नहीं कर पाए। इस लैम्डा का नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
अच्छा तो सर हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते। Q का तेरे पास फॉर्मुला क्या आ गया? Q का फॉर्मुला आ गया लैम्डा मल्टीप्लाई एल। तो दिस इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दिस इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है? अब क्या समझे तुम कि अगर आपके पास यूनिट लेंथ है तो चार्ज कितना है? लैम्डा। टू लेंथ है तो टू लैम्डा, थ्री लेंथ है तो थ्री लैम्डा, और फोर लेंथ है तो कितना हो गया? फोर लैम्डा, और एल लेंथ तो लैम्डा इंटू एल। क्लियर है सब? ठीक है। अब देख अगली बात बता दो, इसको मैं रब कर दूं भाई, इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसके कारण किसी लोकेशन पर क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको रब कर देता हूं, रब कर देते हैं। अब देख तेरे पास ये कंडक्टर था, इस पर कौन सा चार्ज है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है साहब? प्लस क्यू चार्ज। इससे हमको आर डिस्टेंस पर एक लोकेशन पी है, यहां पर क्या निकालनी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे सुन, तो इसके लिए क्या करोगे, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लोगे आप, एक छोटा सा हिस्सा ले लोगे। छोटे से हिस्से को हम क्या नाम देंगे सर? डीएल नाम देंगे। टोटल लेंथ एल है तो छोटे से हिस्से का नाम क्या रख दिया? डीएल। ये साहब कितना छोटा है? तो साहब इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसको आप पॉइंट मान सकते हो। क्या मान सकते हो? पॉइंट। तो फिजिक्स तो बोलता है अगर पॉइंट है तो यूज कर ले मेरे फॉर्मुले को, अगर पॉइंट नहीं है तो मैं नहीं करने दूंगा यूज। हाँ हाँ, तो पॉइंट मानने के लिए हमने इसको क्या मान लिया? छोटी सी लेंथ मान ली, जिसका नाम क्या रखा? डीएल। डीएल का मतलब बहुत छोटा लेंथ, बहुत छोटा मतलब पॉइंट के बराबर है, पॉइंट के बराबर। तो इस पर कितना चार्ज होगा सर? थोड़ा सा ही चार्ज होगा, तो इसका नाम क्या रख दिया? डीक्यू। तो इस डीक्यू चार्ज के कारण, इस डीक्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर हम क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा फिलहाल 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 मेरे को ये बता कि डीक्यू चार्ज कहां पर है? सॉरी फिर से, डीएल लेंथ पर कितना चार्ज है मान ले? डीक्यू। तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा? तो तेरा होगा डीक्यू अपॉन डीएल, और इसका नाम क्या रखा? लैम्डा। तो डीक्यू की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्डा इंटू डीएल। तो सेम प्रोसेस है जो अभी आपको बताया, वहीं से मैंने इसको बना लिया। क्लियर है? अच्छा, तो तेरा डीक्यू चार्ज, तो अब से याद रखना जब भी लाइन कंडक्टर आएगा, लाइन चार्ज कंडक्टर आएगा, तो उसके चार्ज को हम क्या बोलेंगे? डीक्यू। डीक्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। ठीक है, लैम्डा इंटू डीएल, छोटा चार्ज है, इसको पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? पॉइंट चार्ज। अब आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीक्यू के कारण थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो डी ई। तो डी ई का फॉर्मूला क्या होता है साहब? अभी आपको बताया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज तेरा क्या है? डीक्यू। कितनी डिस्टेंस पे है साहब? आर डिस्टेंस पे, तो आर स्क्वायर आ गया। इस डीक्यू की वैल्यू कितनी है साहब? तो डीक्यू की वैल्यू तेरी है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। डीक्यू की वैल्यू तेरी है लैम्डा इंटू डीएल, तो अपॉन में कितना आ जाएगा साहब? आर स्क्वायर। तो ये डीक्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आप पूरे कंडक्टर के कारण निकालना चाहते हो तो सारे डीक्यू डीक्यू को एड कर देंगे। तो इसके लिए कैलकुलस क्या कहता है कि साहब तुम इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन किसका सर? डीई का। कितनी लेंथ के लिए? एल लेंथ के लिए। तो कर दो इसका। तो D के वैल्यू कितना है? ये है साहब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट क्या है अपना? लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचेगा? डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो बदलता रहेगा। तो इस तरह से कोई वैल्यू होगी तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन लीगल आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी लाइन चार्ज हो, एक लंबा बहुत लंबा वायर हो, इनफिनिट लेंथ वाला वायर हो, तो उस केस में अगर आपको किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको ये वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको उस इतनी बड़ी लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा, उस लेंथ का आप रखोगे नाम डीएल, डीएल पर थोड़ा सा चार्ज मानोगे, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दोगे। तो ये वाली प्रोसेस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको करने, इसलिए मेरी मजबूरी थी, इसलिए इस चीज को मुझे इतना डिटेल में अच्छे से बताना पड़ा। अब मैं समझता हूं आपको आ गया होगा। अब हम इसी, अगर ये आ गया ना तो दो जो बचे हैं वो भी आपको आ जाएंगे। देखिए तो चलिए इसको पहले तो पॉज करिए और नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लेते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या ले रहे हैं साहब? एरियल चार्ज डेंसिटी। देखो अब हम बात कर रहे हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, और एरियल चार्ज डेंसिटी को हम एक नाम देंगे, एक सिंबल देंगे सिग्मा, और सिग्मा का नाम हम क्या रखेंगे? सिग्मा इज एरियल
सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ ऐसे लिख देते हैं इसको, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब सुनो, ये आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया का मतलब क्या है, जैसे बादलों पर चार्ज है आप मेजर नहीं कर सकते, एक बिल्डिंग पर कितना चार्ज है आप मेजर नहीं कर सकते, एक ट्रक बहुत बड़ा है जिसकी सरफेस पर चार्ज है, एरिया में चार्ज, बहुत बड़े एरिया में चार्ज आप मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसके चार्ज को कैसे मेजर करें और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो उसके लिए ये मेथड हम अपनाएंगे। देख, तो ये जो चार्ज है इस पर बहुत ज्यादा चार्ज है, मतलब बहुत बड़ी प्लेट है, दिया तो हमने इसको कितना चार्ज दिया था, प्लस क्यू, लेकिन जैसे ही चार्ज देंगे चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो वो सारा का सारा चार्ज इसके एरिया में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास तरीका क्या है कि जब भी बहुत बड़ा एरिया होता है या बहुत बड़ी लेंथ होती है, तो हम क्या करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। कैसा हिस्सा लेते हैं, छोटा सा। अगर ये टोटल एरिया कितना है साहब तेरा, ए है, तो हम एक छोटा सा एरिया लेंगे, यूनिट एरिया। कैसा लेंगे, यूनिट एरिया, और इस यूनिट एरिया का हम नाम रख देंगे डी ए। क्या नाम रख देंगे बेटा, डी ए। अगर टोटल एरिया पर चार्ज, टोटल एरिया पर चार्ज तेरा क्यू है, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा, क्यू अपॉन ए होगा। और यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है उसका नाम रखा सिग्मा, और सिग्मा का नाम क्या है देख ले जरा, एरियल चार्ज डेंसिटी, या फिर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? अच्छा, अब लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां से आर डिस्टेंस पर तेरा एक पॉइंट है, यहां पर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेगा, इस छोटे से एरिया पर छोटा सा चार्ज मानेगा डी क्यू, तो उस डी क्यू के कारण यहां पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। अरे यार वही चीज तो है अभी लिखा था, देख डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल था, तो डी एल की जगह डी ए आ गया और डी क्यू तो है, तो वही चीज है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा साहब, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू कितना है तेरा, डी क्यू है, और आर कितना है, आर स्क्वायर है। और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डी क्यू की वैल्यू कितनी है, यहीं पर रख देते हैं, कितनी है, सिग्मा इंटू डी ए, डन। अब आप टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ए एरिया के लिए, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जो भी कॉन्स्टेंट है तेरा बाहर निकाल ले, कॉन्स्टेंट क्या है, सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा ए एरिया के लिए डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से एक बहुत बड़े एरिया के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये मेथड है, सेम मेथड है। इसका हम बहुत यूज करेंगे, गॉस लॉ में हम बहुत यूज करेंगे, आगे आएगा गॉस लॉ, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं बेटा तेरा, अगला निकाल लेते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं साहब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे बेटा रो से। सो रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो क्या है, एक चार्ज है, कहां पर यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका सेकंड नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें आपके पास क्या है बेटा, एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर को आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और ये चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है, इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम में। जैसे आपके पास एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर बहुत बड़ा एक इंसुलेटर है, अगर आप उसको चार्ज दे दोगे, तो वो देखो इंसुलेटर की एक स्पेशलिटी होती है कि इंसुलेटर को जब भी आप, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना इसको बताने से पहले। ये बेटा आपके पास एक बॉक्स है, मेटल का बॉक्स है, इसमें आपने ड्रिल मशीन से होल किया, सॉलिड बॉक्स है, मतलब इसके हर जगह पर मेटल भरा हुआ है, ड्रिल मशीन से आपने होल किया, होल करके आपने एक वायर के थ्रू यहां पर चार्ज को डाल दिया, प्लस क्यू चार्ज को डाल दिया, और फिर मेजर करने वाली मशीन को लेकर आए और इसके अंदर डालकर इलेक्ट्रोस्कोप लगाकर आपने मेजर किया, तो आपको क्या पता चला कि इसके अंदर तो चार्ज सर जीरो है, लेकिन जब आपने सरफेस पर टच कराया तो आपको चार्ज कितना मिला, क्यों। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम चार्ज किसी बॉडी को अंदर जाकर देंगे, तो चार्जेस के बीच में क्या होता है साहब, रिपल्सन होता है। देखो कितनी बड़ी चीज है कि हम चार्ज को अंदर दिए और चार्ज बाहर आकर सरफेस पर आकर बैठ गए, कहां पर आकर बैठ गए, यहां पर आकर बैठ गए, क्या रीजन है इसका, रिपल्शन, रिपल्शन। देखो तो इतनी बड़ी चीज का एक छोटा सा अंतर, चार्जेस के बीच में क्या होता है,
रिपल्शन, तो रिपेल होकर ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो वही चीज़ है कि अगर हम एक इंसुलेटर को देंगे तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जिस जगह पर आप चार्ज दे दो वो वहीं पर खड़ा रहेगा, रिपेल होकर, रिपेल होना चाहता है लेकिन इंसुलेटर है वो उसको अलाउ नहीं करेगा तो वहीं खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना है तेरा ए है, और ए वॉल्यूम में कितना चार्ज है क्यू है, सॉरी भी है, वॉल्यूम भी वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा तेरा क्यू अपॉन भी, इसका नाम क्या रख दिया तेने, क्यू अपॉन भी का नाम आपने क्या रख दिया, रो रख दिया, रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा तो इसका, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो फिर से ये पूरा वॉल्यूम था तो इसको छोटा सा वॉल्यूम हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इसका नाम है डी बी, जिसको हम पॉइंट मान सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चार्ज होगा डी क्यू, और डी क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो सेम यही फॉर्मूला आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला आ जाएगा ई इक्वल टू वी वॉल्यूम के लिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू क्या आएगा भाई डी वी अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तेरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो सेम थिंग, तो इस तरह से अगर आपको डिफरेंट टाइप के सेम मिलती हैं, बड़े बड़े एरियाज मिलते हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम्स मिलते हैं, बड़ा लॉन्ग लेंथ वायर मिलता है, तो उसके कारण किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका है, ये वाला तरीका है, क्लियर है। और इसके बेसिस पर हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नीट जेई के करने होते हैं, क्लियर है। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फील लिया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, उसके फॉर्मूले के बारे में जाना, और एक यूनिट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर जाना, कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या होता है, और अगर उस पॉइंट चार्ज को उठाकर सीधा किसी स्फीयर को दे दिया, या फिर किसी बहुत बड़े एरिया को दे दिया, या फिर बहुत बड़ी लेंथ को दे दिया, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी लोकेशन पर हम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कैरेक्टर हैं, एप्लीकेशन वगैरह, वो सारे हम स्टडी करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाकर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, और क्लास पसंद आ रही, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।